हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं अरहर दाल और अरवी रेसिपी। तो उसके लिए हमने लिया है अरवी। अरवी को छीलने के बाद इसको मैंने धो लिया है। आप लोग मत धोइएगा, आप लोग इसे कट करने के बाद ही धोइएगा, क्योंकि बहुत फिसलती है फिर हाथों से। अरवी को उतने साइज में ही काटिएगा जिससे कि दाल और अरवी एक साथ पक जाए। इसके लिए लिया है एक कटोरी अरहर दाल, जिसको धोने के बाद कुकर में डाल लिया है। और अरवी भी इसी के साथ ऐड कर लिया है। इसके बाद इसमें 3 गिलास पानी ऐड किया है। दाल का 4 गुना पानी ऐड करते हैं। अगर दाल भिगो के रखी है तो 3.5 गुना। इसके बाद इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार और 1 चम्मच धनिया। इन सब को मिक्स करके पकने के लिए रख देंगे। जब तक दाल पक रही है इसका तड़का तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लिया है 1 टमाटर चॉप किया हुआ, 1 प्याज, कुछ लहसुन की कलियाँ, इनको भी चॉप कर लिया है, बारीक कटा हुआ धनिया गार्निशिंग के लिए। दाल बनके भी तैयार हो चुकी है। दाल और अरवी दोनों अच्छी तरह से गल चुके हैं। इसके लिए तड़का तैयार करेंगे। इसके लिए लिया है रिफाइंड। आप घी और बटर में भी तड़का लगा सकते हैं। जब ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चुटकी हींग, 1 प्याज और लहसुन को ऐड किया है। इसे ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। साबुत लाल मिर्च ऐड किया है। प्याज ब्राउन हो जाने के बाद इसमें चॉप किया हुआ टमाटर ऐड किया है। टमाटर फ्राई हो जाने के बाद इसमें 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर डाला है, जिससे कि दाल में कलर आ जाए। इसलिए पहले 1/2 चम्मच डाला था और अभी बाद में 1/2 चम्मच डाला है। टमाटर फ्राई हो जाने के बाद दाल को इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लीजिएगा। दाल बनके तैयार है। इसे धनिया से गार्निश किया है। धनिया मुझे बहुत पसंद है दाल में, इसलिए थोड़ा ज़्यादा ही डालते हैं। दाल बनके तैयार है।
आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ या पूड़ी के साथ खाइएगा, ये बहुत टेस्टी लगती है। ये रेसिपी हमने अपनी दादी के यहाँ खाई थी, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये दाल बनाना बहुत ही आसान है, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। आप दाल में घी और बटर डाल के खाएं तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। We'll be right back.